ये को फिर से धमाकेदार वीडियो होगा। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका समाज विज्ञान का मासिक टेस्ट है पेपर है, तो गाइस फटाफट इस वीडियो में जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो गाइस कैसे गए आप लोगों के सभी मासिक टेस्ट के पेपर, हमने आपके जो बताए थे बिल्कुल वही वही आए हैं। तो गाइस आपको कमेंट में बताना आपके जो मासिक टेस्ट के पेपर कैसे गए हैं। और गाइस हाँ, आपके नेक्स्ट माह में जो टेस्ट होंगे उसमें भी आपको इसी तरह हेल्प की जाएगी। तो चलिए इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस चलिए समाज विज्ञान का सॉल्यूशन कर लेते हैं। और गाइस जो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का और जो मैथ का हमने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ये आपके लास्ट टेस्ट हैं यहाँ पर इस माह के, जुलाई माह के। तो चलिए अब जो है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पूर्णांक 20 नंबर का रहने वाला है और आपका समय 1 घंटे का। चलिए फटाफट इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को ध्यान से जो है लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द दो वाक्य में उत्तर देना है। तो गाइस इसमें सही विकल्प रिक्त स्थान और आपकी सत्य सही जोड़ी ये नहीं आई है, सीधे एक वाक्य के और सीधे यहाँ पर प्रश्नोत्तर हैं। इसके बाद चलिए अब आपके एक वाक्य के देख लेते पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देख लीजिए आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, 6 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद है जो है आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए फटाफट 1-1 नंबर वाले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द वाक्य में लिखना है। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो गाइस कितने अंतर हो सकता है, 2 घंटे का। तो गाइस यहाँ पर जो टाइम होता है अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का, तो गाइस इसमें जो है 2 घंटे का जो है टाइम थोड़ा इधर उधर रहता है। तो गाइस इसमें आपको 2 घंटे लिख देना पहले में। तो गाइस इसके बाद दूसरा देख लेते, दूसरा क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, नाम बताना। तो गाइस ये जो कर्क रेखा है वो 8 है जो है इसमें लिख देना आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है, इसके नाम हो जाएंगे। तो कई सीजन के नाम जो है हम आपको बाद में इसकी आंसर शीट बता देंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीन शॉट ले लेना इसके सभी नाम लिखकर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर हमने पूरा सॉल्यूशन आपका कापी में लिख लिया, तो कापी में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, जितना पेपर में सॉल्यूशन हो गया अभी बता देते हैं। इसके बाद वीडियो के एंड में सभी के आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तीसरा है स्थानीय पूंजी किसे कहते हैं, ये भी आपका काफ़ी लॉन्ग है, 2-3 लाइन का है। इसके बाद है चौथा, पेट्रियाट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किस नेता ने आरंभ किया। तो इस किस नेता ने किया था, हरीश चंद्र मुखर्जी, इसमें लिख देना हरीश चंद्र मुखर्जी लिख देना, ठीक है। सो इसका चौथे का हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। पांचवा है शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो गाइस किसने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो गाइस चलिए इसको लिख देते हैं हम यहीं पर, यहाँ पर लिख देना आपको मान लिख देना, चलिए अच्छे तरीके से लिख देते हैं, मान लिख देना है, मॉन्टेस्क्यू ने किया था। तो गाइस इसमें आपको मॉन्टेस्क्यू कर देना है। तो गाइस इसका जो यहाँ पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉन्टेस्क्यू ने किया था। इसके बाद है आपका छठवां, तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, सभी के आंसर बिल्कुल लिखकर हमने कॉपी में आपको बता दी जाएंगे, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी क्वेश्चन देखते चलिए, छठवां है किस अवधि के दौरान चीन ने विश्व के इतिहास में अपना सबसे बुरा अकाल दर्ज किया। तो गाइस इसमें हो जाएगा आपको सन बताना है। तो गाइस इसमें हो जाएगा 1958 हो जाएगा, 1958 लिख देना, 1958 से यहाँ पर हो जाएगा 1958 से 1961 तक। तो वही 1958 से 1961 तक जो है बुरा अकाल दर्ज किया है। तो वैसे ये आपके एक वाक्य के हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपके 2-2 नंबर वाले, निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो प्रत्येक के लिए 2 अंक है। तो गाइस यानी आपके 7 क्वेश्चन हैं, तो गाइस 14 नंबर आपके इसमें मिलने वाले हैं और एक वाक्य में आपको 6 मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 20 नंबर का जो है टेस्ट है। तो गाइस चलिए फटाफट इनके सॉल्यूशन बता देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार का क्या महत्व है। इसके बाद दूसरा है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद तीसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। चौथा है तृतीय क्षेत्र से क्या आशा है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद पांचवा, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट छठवां, है स्वेज नगर के निर्माण का भारत
व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखना है। इसके बाद सातवां, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है और बिंदुओं से स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब इनके सॉल्यूशन का पीडीएफ देख लेते हैं, पूरा संपूर्ण उत्तर का जो पीडीएफ है चलिए देख लेते हैं। तो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरा सॉल्यूशन इस पीडीएफ में। तो चलिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर पहले का आपका जो एक वाक्य का है इसमें 2 घंटे हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 8 राज्य से गुजरती है। तो गाइस पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा जो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसमें पाँचवा झारखंड, छठवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो छठवीं बात सातवां है जीपुरा से, इसके बाद आठवां है मिजोरम। तो इसी ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है करके रेखा। इसके बाद आपका तीसरा, इसमें आपको इस भाई पूंजी से क्या तात्पर्य है, इसमें पूंजी से तात्पर्य यह है कि जो स्थायी संपत्तियों का किराए करने में लगाई जाती है। तो कोई इतना आपको लिख देना है, ये आपकी स्थायी पूंजी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको जो है हरीशचंद्र मुखर्जी कर देना है, इसके बाद मॉन्टैक्स क्यू कर देना है, इसके बाद है 1958 से 1961 कर देना, ठीक है। तो वैसे ही आपकी एक बाकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अच्छे तरीके से इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक गाइस यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी आंसरों का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न। तो गाइस ये आपका देख लीजिए दूसरा का पहला आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 क्वेश्चन दूसरा में आपके, ये पहला हो गया, इसके बाद दूसरा है। तो गाइस ये रहा आपका दूसरा, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से देखते चलिए, ये आपका दूसरा हो जाता है, इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है, तो गाइस ये रहा इसका तीसरा, चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका तीसरे का आंसर है। तो गाइस हमने नंबरिंग भी कर दी है, देख लीजिए यहाँ पर सभी में नंबरिंग डली है। तो गाइस नंबरिंग के हिसाब से आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर डालिए। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा यहाँ से यहाँ तक है। तो गाइस चौथा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका चौथा हो जाता है। तो गाइस चौथे का आंसर है, इसके बाद है पाँचवा। तो गाइस ये रहा आपका पाँचवें का आंसर देख लीजिए, ये रहा भारत, यहाँ पर भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना है। तो वही से भारत के तीन ओर की जल राशि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो वही से इतना लिख देना आपको, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाता है पाँचवा का। इसके बाद छठवा देख लीजिए, ये रहा आपका, इसमें 3 पॉइंट है। तो वैसे चलिए यहाँ पर 2 पॉइंट भी लिख देंगे, तो वैसे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो वैसे ये आपका छठवा का आंसर है। इसमें देख लीजिए स्वेज नगर के निर्माण का भारत व यूरोप व्यापार को बढ़ाने में मील के पत्थर का काम किया। तो वैसे इसमें पहला हो जाएगा, दूसरा, इसके बाद तीसरा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वैसे इन तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 याद कर लेना है। तो वैसे आपका छठवा हो जाता है। इसके बाद सातवां है, तो वैसे रहा आपका सातवां। तो वही जल्दी से आप सातवें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सातवां का आंसर है। तो गाइस ये आपके सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद अब आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही आपको नेक्स्ट माह में भी इसी तरह हेल्प की जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और गाइस सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करके जाइए, ताकि आपके सभी में 20 में 20 आएँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब।